मोदी। ये नरेंद्र मोदी से दुनिया बम रिवॉल्वर से नहीं, इनके दर्द सहनी और जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसे विश्वास के कारण लोग पर भरोसा हुआ है। आज दुनिया इन्हें शांति दूत के रूप में देखते हैं, भारत का मान सम्मान गुमान बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये तो अब आम जनता कहती है। ऐसी बीच में हमारे ही समाज के एक नेता है जो कहते हैं कि हम सन्नफ मल्ला है, वो कहते हैं कि मैं सन्नफ मल्ला हूँ। अरे भाई कैसा नेता, एक नेता जो देश नहीं दुनिया में लोगों का विश्वास जीत लिया, आप कैसे नेता कि आप अपने समाज का भी दिल नहीं जीत सके। आपके समाज के नाम पर जब भी कुछ मिला पार्टी के द्वारा, आपने अपने समाज को दिया क्या? सबसे पहले लोकसभा में उनको टिकट मिला, एक भी टिकट का लाभ निषाद समाज को नहीं मिल पाया। दूसरे में उसने कहा कि आरजेडी मेरे पीठ पे खंजर मारने का काम किया, मलहम किसने लगाया? 11 टिकट देकर आजादी के बाद पहली बार किसी मल्लाह के बेटा को 11 टिकट मिला, यह देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उसे 11 टिकट का कोई लाभ हमारे निषाद समाज को नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद जब इन्हें हार जाने के बाद एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया, मंत्री बनने के बाद भी एक भी लाभ अपने निषाद समाज को उसने नहीं दे पाया। फिर उस समय के बाद फिर कुढ़नी उपचुनाव में जब इन्हें टिकट देने का अवसर मिला तो लोगों को मलाहों को लगा कि इस बार तो निषादों का इसलिए जरूर सम्मान, वहां भी न कर सका। और अभी जब लोकसभा में 3 टिकट मिला तो इस 3 में लोगों को लग रहा था कि ऐसे परिस्थिति में तो कम से कम 2 टिकट मल्लाहों को जरूर मिलेगा। लेकिन 2 क्या, 1 भी टिकट न मिल सका। अब आप ही से हम पूछते हैं कि जब लोग कोई देसी गाय नहीं जर्सी गाय पोसे, जुन्नू टैम हरियाली खिलावे, चोकर कोराई दे आ गाय बाल्टीए बाल्टीए दूध के बदला एक सितुआ भर एक चम्मच भर भी दूध नहीं दे तो क्या उस गाय को लोग बेसी दिन तक अपने दरवाजा पर रखता है क्या? नहीं। कुछ दिन के बाद कहता है उसके गर्दन का रसरी खोल देता है और कहता है 40 सीट एनडीए के घोड़े में लगा और बिहार से हमें सीट देना है और देश में ऐसे प्रधानमंत्री को जो देश के समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश के मजबूती के लिए और विश्व में भारत को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप साथियों जानते हैं कि देश में आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एनडीए के सरकार केंद्र सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। बिहार में हम सबों के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने कहा कि न्याय के साथ भी हम विकास करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास और न्याय के विकास। साथियों न्याय के साथ विकास में मंत्री मैदान में लोग हैं जो गरीब दुर्बल समाज के लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो सदियों से लचार से बेबस थे और विकास की चटकी लगा कर देख रहे थे इतिहास पर और हम सबों का भी विकास करें। लेकिन साथियों बिहार के धरती पर नीतीश कुमार जी ने वैसे समुदाय के लोगों को चिन्हित करके और बड़े पैमाने पर विकास की नथा को लिखने का काम किया, उस राज्य के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया,
आज साथियों मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से और पूरे पार्लियामेंट के लोगों से, पार्लियामेंट में अंतिम पैदाश में बैठे जो गरीब समाज है, जो महादलित समाज है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके बीच में कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो आपको भ्रम में डाल रही है, कह रही है या वो सोशल मीडिया के माध्यम से, या वो कई प्रकार के भ्रांतियां फैला रहे हैं, वो दरिद्र बस्तियों में जाकर एनडीए की सरकार, आपके जो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, संविधान में जो आरक्षण है, उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा साथियों, वैसे वातावरण में बताएंगे जब देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी लिया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करूंगा, उनके दिए हुए आरक्षण को मैं बरकरार रखूंगा, और बिहार में जब तक नीतीश कुमार की है, कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी दोनों राज्य मित्र है, कभी भी दल आरक्षण प्रहार नहीं आएगा। सरकार के भ्रांतियों से आप दूर रहिए, उसको जवाब दीजिए, समाज से बात कर और धर्म के आधार पर और वैसे समाज को जोड़ना चाहते हैं। आप विकास के मुख्य धारा जुड़िए, नरेंद्र मोदी जी के विकास और देश के मजबूती के मुख्य धारा जुड़िए, आप नीतीश कुमार जी से न्याय के साथ विकास धारा में मुख्य धारा में जोड़कर और इस देश को बिहार को साथियों, मैं होने के नाते आप सबसे अपील करूंगा कि आइए मिलजुल कर भाईचारा प्रेम और मोहब्बत के साथ हमारा एनडीए का प्रत्याशी उपेश तिवारी जी जीत रहे हैं और बिहार से पार्लियामेंट को हम सब जिताए और लाखों लाख वोट के जिताए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बिहार में उसी प्रकार से विकास को आगे बढ़ता रहे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ता रहे। इसलिए साथियों, सब समाज की बात करते, विकास की बात करते, न्याय की बात करते और हमें एक एक मत और एनडीए के प्रत्याशी भाई नीतीश कुमार तिवारी को भारी बहुमत से यहाँ जिताने का हम सबों को काम करना है। हिंदी कार्यक्रम के साथ अब तक हुए पार्लियामेंट के साथियों के प्रति और नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय बिहार। धन्यवाद।